हेलो जी, राम राम भाई सारा नाथ जोड़ की। और एक बार फिर से स्वागत आप सबका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपने दिखाऊं भाई फैमिली आर्मी क्वार्टर किसे हुए हैं। तो बताना भाई, जो मतलब नए वाले हैं वो दिखा रही हूँ मैं, पहले पुराने वाले नहीं, जो अब न्यू डिजाइन होके आए हैं। तो बने रहना मेरे साथ साथ, और क्या चीज आपको अच्छी लगी कमेंट में प्लीज सारे बताइयो, और सारे बढ़िया हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो चलो भाई मेरे साथ साथ करो आर्मी क्वार्टर की सैर। तो भैया अब हम कर रहे हैं अपने क्वार्टर में एंट्री। तो घुसते ही ये लगाया भी हमने, वेलकम टू माय स्वीट होम। कितना प्यारा लग रहा है भैया बताना। और ये देखो स्टार, ये भी हाथ से बनाए भैया। जो सारी कारीगरी दिखाऊंगा सब मेरे पति देव ने अपने हाथों से बनाई, तो देखना और बाद में बताना। और उसके ऊपर है भैया की स्टैंड का की स्टैंड, और राधा कृष्ण जी हैं, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं राधा कृष्ण जी। तो बढ़ते हैं भैया आगे। भाई ये आ गया मेन डोर है, और इसके जस्ट सामने भी रखा है मैंने इन्वर्टर बैटरी, और यहाँ पर वो नहीं रहती भाई, लाइट की दिक्कत रहती है, तो इसलिए लेना पड़ा। ये रखा भाई, और इसके ऊपर रखा मैंने मनी प्लांट। और भाई जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अब ये है बॉक्स थे भाई इनका, हमने यहाँ बैठने के लिए मतलब सोफा टाइप बना दिया भाई। सोफा तो नहीं बोल सकते, कम पैसों में भाई मतलब कम बजट में सोफा तैयार हो गया। और उसके ऊपर रख दिए मैंने स्माइली, और इसके जस्ट ऊपर लगाया भाई एक और की स्टैंड, ये भी मेरे पति देव ने अपने हाथों से बनाया है। गिटार बना के उसमें की स्टैंड के वो लगाए भाई। और उसके ऊपर है गणेश जी महाराज, और ये भाई झोपड़ियाँ बनाई हैं सब, बाद में बताऊंगा ये बनाई हुई है। तो उसके ऊपर है राधा कृष्ण जी, लाइट ज़्यादा पड़ रही है, और वो एक बड़ी सी लगाई हुई राधा कृष्ण की। और फिर थोड़ा आगे है भाई ये इस दीवार पे ये शो पीस लगे हुए, ये सब भाई मेरे पतिदेव के अपने हाथों की कारीगरी है। जो ये पांचों लगे हुए हैं, चार लगे हुए ये सब, उसके ऊपर भी मनी प्लांट रखा है, और ये कुछ लकड़ी का है भाई सामान। तो भाई अब ये भाई जस्ट जो रूम में एंटर करते उसके सामने की दीवार है भाई ये, इस पे सबसे पहले लिखा हमने आई लव हरियाणा। तो हरियाणा गया था भाई धुम्मा ठावा कभी। और उसके भाई बगल में जो ये खिड़की है उसके ऊपर एक गिटार बना के, और ये मतलब फ्लावर रखने का बना दिया भाई। तो ये बताना कैसा लग रहा है। और ये भी पहले कई बार वीडियो में आ चुके हैं, ये भी भाई कार्डबोर्ड से बनाए हुए हैं सब, बाद में कमेंट करके पूछ लेना भाई। तो ये है भाई पूरी सामने की दीवार, और इस दीवार के पास ही रखा भाई हमने डाइनिंग टेबल। तो हरियाणा वाला का कम यूज में आवे डाइनिंग टेबल, नीचे बैठ के खा ले हैं, फिर भी भाई लगाना दे रखा है तो हमने लगा लिया। और उसके ऊपर ये बोतल में भाई फूल लगा के छोड़ दिए। तो ये थी सामने की दीवार, ये थी साइड की दीवार। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं। ये भाई भी इस साइड वाली दीवार, राइट साइड वाली, इस पे भी हमने यहाँ सामने की लोकेशन दिखाती हूँ। यहाँ रखा हमने अपना एलईडी, और ये जो भी जो ये रखा है ना बॉक्स, ये भी दिखा दूँ, ये भी पतिदेव ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। उसके ऊपर जी है प्यारे से कान्हा जी को बैठा रखा है, और ये है कछुआ बोलते हैं भाई शुभ होता है, तो ये है। और ये सो पीस चार ये छोटे छोटे, और इसके ऊपर ये सॉफ्ट टॉयज रखा है। और यहाँ भाई इस कोने में ये फ्लावर पॉट, ये भी भाई हाथ का बना हुआ नीचे वाला पॉट भी सब, ये फूल खाली लेके आए थे। और इस राइट साइड वाले पे ये है भाई हमारा मंदिर, फिर जय बाबा की सारे बोलो। तो ये लगाया भाई इस वाले मतलब ये जो किचन की दीवार आगे आएगी उसमें दिखाऊंगा भाई, उसमें है ये मंदिर। तो सामने भाई ये है अपना सबसे प्यारी चीज भाई, ये मन सबसे प्यारे ये लागा भाई, ये वेस्ट मटेरियल तो बने हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं ना बन के। तो भाई हमारे सबके नाम लिख दिए भवी का, भाविक बोला भाविक लिखो। ये ऊपर वाला भी भाई सब हस्बैंड ने बनाया है ये वाल्सले। तो इस पे भाई और ये लगा रखी है साईं जी की मूर्ति, और ये भाई जहां जहां हम घूमने गए थे ये भवी की कृष्ण बनाया था भाई। ये हम साईं बाबा के गए थे भवी छोटा था तब की फोटो, ये हम भवी से पहले जयपुर घूमने गए थे वहां की, और ये वैष्णो देवी की।
तो सामने की दीवार पे भाई ये देखो इतना कुछ लगा रखा है, इस पे भी ये लगा रखा है सामने की दीवार। तो हो गया भाई ये रूम कंप्लीट। और इसमें ये इस टाइप से ये घड़ी लगा के ये पर्दे लगा रखे भी आगे दो रूम में एंट्री। ये था भाई मेन हॉल, दोबारा से आपको एक बार और दिखा देती हूँ भाई। वॉल की ये दीवार रहेगी जो कि जैसे हम घुसते हैं यहाँ से, ये है भाई एंट्री गेट, यहाँ से घुस के साथ में ही लगता किचन है। तो उस किचन की दीवार पे ये भाई फ्लावर पॉट लगा रखे हैं, और जो मेन डोर है उसके ऊपर गणेश जी महाराज भी बिठा रखे हमने, और एक किचन की उस पे गणेश जी महाराज और नीचे चिड़िया। ये भाई तो अभी इसके लगता ही ऐसे ही है भाई किचन। किचन तो भाई नॉर्मल ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, पर आपको दिखा देती हूँ मैं किचन भी। तो ये है भाई किचन भाई, इसमें रैक रूक कुछ नहीं दिए हैं तो ऐसे ही जचाना पड़ रहा है। तो ये है किचन, प्यारा सा छोटा सा स्वीट सा, छोटा सा ही है पर अच्छा है, ठीक है। ये फ्रिज रखी है इधर, और इधर ये भाई सब्जी वगैरह रखने के लिए, और ये मटका भाई इस बिना तो अपना गुजारा नहीं होता। तो इसमें एक बार और दिखा देती हूँ इसमें, यो है भाई किचन। अब बढ़ते हैं भाई आगे हम। तो भाई ये था मेन डोर, ये हो गया किचन साथ में लगता, और ये हो गया भाई पूरा हॉल। हॉल की दिखा देती हूँ आपको मैं फिर से पिक, ये भाई पूरा हॉल देख लो एक बार, चारों तरफ घूम जाऊँ फिर रूम में एंट्री करूंगी, और 11 बजे मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो ये है भाई पूरा, ये किचन हो गया साथ लगता है, मेन डोर था और ये पूरा ये। तो चलो भैया बन चलते हैं हम अंदर की तरफ। तो ये पर्दे लगा के भाई यहाँ पे ये दो रूम बना रखे हैं, एक है इस साइड और एक है इस साइड। ये अटैच नहीं है, ये इन दोनों का एक बाथरूम, उसमें तो अटैच है, पर पहले ये राइट साइड वाला देखो मेरा राइट अभी। तो ये भी हमारा बेडरूम, तो बताना भी कैसा है बेडरूम। तो भाई हमने इसमें ये बेड लगा दिया, उसके पीछे ये पर्दे पर्दे टाइप से लगा रखे बिल्लो, और ये पीछे जो भी कारीगरी है वो भी सब पति देव के हाथ से बनाया हुआ है। और इसके ऊपर ये रख दिया डम्बू, और भाई ये बैक टेबल, और इसके ऊपर ये बोतल में ये फ्लावर लगा दिए, और ये छोटी छोटी झोपड़ियाँ, ये सब कारीगरी वही बता दिया आपको हस्बैंड की है। इस साइड ये लगाया है, और ये लव बताना भाई कितना प्यारा लग रहा है, तो वो शीशा दे दिया भाई। तो यहाँ इसकी डेकोरेशन इस टाइप से है, ये इसमें कबर्ड है भैया, अलमारी मतलब कपड़े रखने खातर, और ये मेरे पति देव ने अपनी कारीगरी कर दी है। तो ये कलमारी मिली हुई है, ये देखो भाई, और ये मैं वीडियो बना रही हूँ देख लो। तो एक बार इसको भी घुमा देती हूँ मैं सारे को। ये वही रूम, चलते हैं दूसरे रूम में भाई। ये देखो निकल जाते हैं, एक टेबल यहाँ रखी भाई, एक ये चेयर है बच्चों के लिए, पर अभी हमारा वो बड़ा है, बड़ा क्या छोटा है बच्चा तो कितने काम में नहीं आते, तो यहाँ इसके पास लगा दिए टेबल। और ये तो ये था भाई एक रूम, अब चलते हैं भाई दूसरे रूम की तरफ। हो गया भाई, तो ये है भाई बाथरूम, बाथरूम का तो क्या दिखाना है, देख लो ये है बाथरूम, अच्छा है बाथरूम भी। और बाथरूम के पास रखी भाई हमने मशीन, और इसके ऊपर भी भाई पतिदेव वाली कारीगरी, पतिदेव ने लगाई थी लाइट दिखाते ऑन करके। ये देखो भाई इन हॉल में से निकलते ही एक साइड कमरा, ये फिर बाथरूम टॉयलेट बाथरूम दोनों, फिर यहाँ मशीन रख दी भाई हमने कपड़े वाले। और ये है भाई सेकंड रूम, ये भाई गेस्ट रूम लगा लो, मतलब गेस्ट के लिए वैसे ही है, वो हमारा बेडरूम था, ये भाई जो भी कोई आए उसके लिए किसी के लिए लगा लो। तो भाई इसमें सामने की दीवार पे रखा है ये भी भाई पति देव ने बनाया हुआ है सब वाल से ले, और वो गिटार लगाया। फिर ये चेयर थी भाई, चेयर का भी यूज कर लिया, और इस पे एक मनी प्लांट रख दिया है। तो ये थी सामने की दीवार इसकी, और इसमें ये बड़ी सी अलमारी दे रखी है भाई कपड़े रखने के लिए, और इसमें अटैच बाथरूम है भाई, इसमें है बाथरूम अटैच। और ये बेड और ये लगाया भाई इसमें, तो इसमें भाई ये ऊपर भी है भाई नीचे भी है दोनों में है अलमारियाँ। तो इसमें ये अटैच बाथरूम दे दिया क्योंकि इसमें दे रखी है भाई
ये कम बोर्ड सीट का सिस्टम दे रखा है सब, इसमें गीजर वीजर भी वही सब दे रखा है। तो नए जो क्वार्टर है उनमें सब फैसिलिटी दे रखी है, दे रखा है, इसलिए भैया है। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सब, फुआरा पूरा सब। देखो भाई, ये देखो मैं दिख रही हूँ तो अच्छा है, इसको हम सही ये यूज कर ले भाई, कोई भी गेस्ट आओ तो दिक्कत नहीं हुआ, ऐसे दो होने चाहिए। तो ये थे भाई, और ये है भाई इधर बड़ी सी बालकनी, एक उधर है वो दिखाई नहीं जा नहीं रहा मैं। तो जैसे ये खुलेगी भी नीचे जो गैरेज की आती है वो है बालकनी पूरी लंबी चौड़ी है। बाहर से नहीं दिखाऊंगा आपको, दिखा देती हूँ, ये इतनी बड़ी लंबी बालकनी रखी है भाई। तो वो थी भाई बालकनी, ये दरवाजा थोड़ा टूट गया, रिपेयर कराना, नए बने हैं फिर भी टूट गया। तो ये अभी एक ये कमरा हो गया, दोबारा से एक बार और रिपीट कर, वो टॉयलेट और वो अलमारी कपड़े रखने के लिए। जैसे इस कमरे से निकलते तो आमने सामने रूम है, बीच में है ये टॉयलेट, हंड मशीन रख दी। तो ये था अपना मास्टर बेडरूम कुछ भी बोल लो भाई। और ये है भाई मेन, ये लगा रखे भाई, ये गणेश जी, यहाँ भी है भाई बहुत गणेश जी। तो ये था, ये दोनों साइड रूम हो गए, इधर भी रूम और इधर भी रूम, और उस साइड वो बालकनी, यहाँ टॉयलेट, और ये है पूरा हॉल, हॉल के अंदर है किचन। समझ में आ गया होगा भाई सबको। और एक बालकनी यहाँ भी दी है, ये छोटी है भाई थोड़ी, ये बस इतनी सी है छोटी सी। तो ये था भाई हमारा इतना प्यारा सा क्वार्टर। तो कमेंट में बताना भी आप सबको कैसा लगा क्वार्टर, अगर अच्छे से समझ आना तो दोबारा वीडियो डाल दूंगा भाई। ये देखो, तो बैंड करते हैं भाई इसका यहाँ से। जय कान्हा जी।